आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताब सब वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शन वीडियो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो पूछ इंडियन आर्मी, पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। क्या वजह है कि मायूसी, आप ईद क्यों नहीं मना रहे इस बार? सर क्या है ना कि हमारे सेना के 5 जवान जो शहीद हो गए ना, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईद जो है वो अच्छे से नहीं मना रहे। उस दिन ये इफ्तारी के लिए लेके जा रहे थे? सर बिल्कुल, इफ्तारी के लिए फ्रूट लेके जा रहे थे तो वो ये हादसा पेश आया। आपको जब पता चला ये हादसा हुआ? सर तो बहुत रोना आया मेरे को, बहुत दुख हुआ और आज भी मेरे को बहुत दुख। मैं देख रहा हूँ कुछ आज को कुछ तैयारी नहीं है, क्या वजह? जी वही, हमें मायूसी है कि इतना गलत हादसा हुआ है। हम ईद नहीं मनाएंगे और उनकी दुआ करेंगे उनके परिवार के लिए। पूरे देश भर में आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर जगह चहल पहल आपको नजर आएगी, लेकिन बिम्बर गली के इन गांव में आज आप देखिए पूरी तरह से मायूसी छाई है। 20 अप्रैल को यहां पे एक घात लगा के आतंकवादी हमला करते हैं जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद से यहां मातम छाया हुआ है। मेरे साथ यहां के स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार वो ईद क्यों नहीं हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। क्या वजह है कि मायूसी, आप ईद क्यों नहीं मना रहे इस बार? सर क्या है ना कि हमारे सेना के 5 जवान जो शहीद हो गए ना, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ईद जो है वो अच्छे से नहीं मना रहे। तो आप इस बार ईद बिल्कुल नहीं मना रहे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मना रहे। तो उस दिन ये इफ्तारी के लिए लेके जा रहे थे? सर बिल्कुल, इफ्तारी के लिए फ्रूट लेके जा रहे थे तो वो ये हादसा पेश आया। तो जब हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आपको भी उन्होंने मिले थे उस दिन? जब सर मैं भी उनसे मिला था तो हमारे वो बहुत ही क्लोज थे और हमारे सेना के जवान थे सर। तो उन्होंने कुछ आपको भी फल वगैरह दिए थे? हाँ सर बिल्कुल। क्या दिया था उन्होंने? हमारे को फ्रूट दिया था। अच्छा, तो बहुत दुख हुआ सर ये जब हादसा मैंने सुना। तो क्या आखिरी बातचीत उनसे हुई थी? सर ऐसे ही बस बातचीत हुई थी, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन सर बहुत दुख है मेरे को। तो तरबूज वगैरह कुछ दिया था? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा हाँ। तो आपको जब पता चला यह हादसा हुआ? सर तो बहुत रोना आया मेरे को, बहुत दुख हुआ और आज भी मेरे को बहुत दुख है। देखिए कितने दुख की बात है कि ये लोग इफ्तारी के लिए उस समय फल लेके जा रहे थे और आप देखिए उन दरिंदों ने और उनको किस बेरहमी के साथ आके मार दिया, फायरिंग की, ग्रेनेड ड्रॉप किया, स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया और उनकी जान चली गई, हमारे जवान जो है शहीद हो गए। लेकिन आप देखिए इनको गम इस वक्त भी, जब ये बात कर रहे हैं इनसे बात पूरी तरह होने रही, क्योंकि उसी रोज कुछ चंद पहले इनसे मुलाकात हुई थी, इनको भी फल दिया था, इनको भी तरबूज दिया था कि इफ्तारी के लिए आप वो फ्रूट का इस्तेमाल करिएगा। कितना दुख है आपको ये जो सारा हाथ? हमारे अपने भाई हैं ये भी, तो हमारी सेवा के लिए, हमारी रक्षा के लिए ये बैठे हैं, तो उनके साथ हुआ तो गलत हुआ ये। तो आपने डिसाइड कर लिया इस बार ईद नहीं मनाएंगे? तो दुख है तो वो तो है ही है, तो इस बार हमें बहुत दुख हुआ इनका, तो ये गलत है, उनके साथ जो हुआ तो गलत हुआ है। ईद पे नॉर्मली देखते हैं कि नए कपड़े पहनते हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ आज को कुछ तैयारी नहीं है, क्या वजह आपकी? जी वही, हमें मायूसी है कि इतना गलत हादसा हुआ है। हम ईद नहीं मनाएंगे और उनकी दुआ करेंगे उनके परिवार के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे जवान शहीद हुए, जो आप ईद नहीं मना रहे इस बार पूरे? सर बहुत बड़ा दुख हुआ, हमारे जवान भाई 5 आदमी की मार डेथ हो गई, बड़े दुख की बात है। गुस्सा आता है कभी कि ऐसे क्यों दरिंदे करते? सर अच्छी ये बात है कि अच्छा नहीं लग रहा, वो भी भाई थे हमारे। देखिए अच्छा नहीं लग रहा, देखिए इन सबको बहुत नाराजगी, इन सबको बहुत गुस्सा है, सबको बहुत आक्रोश है। गुस्सा आता है आपको कि ऐसा क्यों हादसा हुआ? हाँ सर बहुत गुस्सा आता है। क्यों? हमारे जो भाई उन्होंने शहीद किए हैं, हमें बहुत गुस्सा है। ये देखिए ये सब लोग यहाँ पे आज नमाज के लिए आए थे, दुआ करेंगे उनकी उनकी आत्मा को शांति मिले और चाहते हैं कि यहाँ पे अमन अमान रहे। इस बार बिल्कुल यहाँ पे
ईद का कोई माहौल आपको दिखेगा नहीं। देखिए सब लोग काफ़ी उदास हैं, सब लोग मायूस हैं, इनकी आंखों में दर्द नज़र आ रहा है, कह रहे हैं कि हम इस बार ईद नहीं मनाने जा रहे। क्योंकि नॉर्मली जब ईद होती है तो काफ़ी खुशियां होती हैं, आप देख सकते हैं ये सवैयाँ बनाई जाती हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है घर में। आज कुछ ऐसा कुछ पकवान नहीं बने और देखिए कोई नए कपड़े भी पहने नहीं है, नमाज के लिए जा रहे हैं लेकिन दुआ करेंगे फौजियों के लिए। आप चाहेंगे कि अमन अमान के लिए दुआ करेंगे और उनको भी अक्ल आ जाए जो हरकतें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे बोलिए। बिल्कुल सर, हम यही दुआ करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, और हम यही चाहते हैं कि अमन से सब रहें और अमन ही रहे हमारे देश में। क्या कहना चाहेंगे जो ये ऐसी हरकतें करते हैं? सर अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हुकूमत को ही करना चाहिए उनके खिलाफ, हमारे हाथ तो कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि हुकूमत को उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करना चाहिए, कहते हैं कि हम तो अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए करेंगे, उनके परिवार वालों के लिए दुआ करेंगे, अमन अमान के लिए दुआ करेंगे, लेकिन इस बार इस इलाके में ईद नहीं मनाई जाएगी। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखिए आप जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कैमरा घुमा के दिखाइए, आप देखिए इस समय कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ। नॉर्मली यहाँ पे इतना हर्षोल्लास होता है, यहाँ पे मेले जैसा सीन होता है, लेकिन आज आपको कोई मेला नहीं नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा, पूरी तरह से आपको देखो शांत माहौल दिखेगा, इधर उदासी पूरी तरह से छाई हुई है। वीडियो तो होगी खत्म। ईद का दिन था, जो इंडियन कश्मीरी हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोग, वो अपने भाइयों के साथ जो हादसा हुआ पूंछ हमले में डेथ शहीद हुए, उनके साथ वो दुख का इजहार भी कर रहे थे कि भई वो हमारे भाई थे और हमें दिली दुख हुआ है कि ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो हमारी वादी जम्मू एंड कश्मीर में ये हरकत हुई है। तो ईद का जो समा था बहुत खुशी का समा था, उनके चेहरों से भी लग रहा था कि उनको खुशी उदासी थी, कि उनके भी भाई थे भाई उनका रखवाली कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है रुखसार भाई, हाँ, मैं भी चौंक गया था, रमजान में रोजे के लिए वो अफ्तारी के लिए फ्रूट लेकर जा रहे थे, मैं भी तो इनका कोई मजहब नहीं होता। जिन्होंने ये हरकत की है वो अपने इस्लाम के नाम पर एक ब्लैक धब्बा है कि भाई जो इफ्तारी के लिए हमारे सिख भाई घर लेकर जा रहे हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, तो ये इसको कितना भी कंडेम किया जाए वो थोड़ा है। और उन लड़कों की नौजवानों की जो जिनका वो इंटरव्यू ले रहे थे सिख भाई, उनके चेहरे से वो गम जो था और जो उदासी थी वो साफ तौर पर वाज़ह थी। वो वाकई जम्मू एंड कश्मीर तब्दील हो जा रहा है, उनको वो भी कहते हैं कि वो हमारे भाई थे, वो उनको भी पता है कि भी हम भी दुनिया के साथ कट कर नहीं रहना चाहते। जब 1947 से हम मार दाड़ी उधर हर वक्त जो होता है वो खौफ के आलम में रहते हैं, किसी वक्त भी हमला हो सकता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें हमारी भी उदासियां हैं वो दूर होनी चाहिए। जैसे मोदी साहब उधर मतलब स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, डेवलपमेंट का काम, उधर के लोग जो है इंडिया की आर्मी के साथ मोहब्बत और हमारे यकजहती के लिए ईद भी मना रहे नहीं मना रहे इस वजह से क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे मुहाफिज थे और उनके लिए वो शहीद का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है ना कि वो उनको प्यार करते थे। और ये जो बातें हैं, ये जो पहले नजरिया था अब वो बदल रहा है उधर के लोग। अच्छा रुखसार भाई, मैंने एक बात चेक करने वाली है कि जो जो उन्होंने वैन दिखाई है ना उसके जो बहुत इसको हार्ड किस्म का जो असला है ना वो बोल हाँ। बात कर रहे हैं कि स्टील की वो गन थी, गोलियां थी जो उसमें से गुजर कर बहुत आम मसला, इधर से इतना अटैक इतना ज्यादा सुराख नहीं करता, अगर गुजरे भी तो बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनल है और बड़े हाई को जो है ना उनके क्वालिटी के जो वेपन किए जो मेरा ख्याल बॉडी है ट्रक से भी गुजरा से। भाई आप खामोश बैठे क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये मेरे भाई कि वाकई में ये हमला बिल्कुल गैर मुनसफाना कह लें, गैर इस्लामी कह लें, गैर इंसानी, गैर इंसानी चीज़ है, हरकत बहुत गैर इंसानी है मेरे भाई ये। तो दूसरी बात ये है मेरे भाई कि अगर देखें, मैं ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि अगर उस वादी के लोगों को गम है ना मेरे भाई, तो इस ईद पर तकरीबन जो उसके रिलेटेड इलाके थे या पूरे इंडिया में कर लो यार, ये लोग जवान तो पूरे इंडिया के लिए काम करते हैं ना, चाहे वो कहीं भी तैनात हो,
तो आप लोगों को उनके लिए जब भी आप ईद पढ़ते तो बकायदा एक इज्तिमा एक दुआ जैसे मांगते हैं वैसे आपने कुछ इंतजाम करना था और अवेयरनेस देनी थी पूरे मुल्क को हुए और पूरी दुनिया को इज्तिमात में दुआएं भी हुई हैं और उनके लिए ये सारा कुछ हुआ जो आप कह रहे हैं। अच्छा तो दूसरी बात ये है मेरे भाई कि मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि जो नमाज के लिए इतने लोगों ज़्यादा लोगों का ना आना ये अफसोस भी है, मैं इस बात को नहीं मानता मतलब इग्नोर करता, लेकिन ये मेरे भाई आर्मी की तरफ से भी होगा कि आप अपने घरों में महफूज रहें, हो सकता है कि ऐसे अटैक्स हाँ ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती है। हम कब करेंगे ये बात, क्योंकि सारी बात है उधर दहशतगर्द फिर रहे हैं, लोगों की जानों को खतरा भी है क्योंकि उधर मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो आम शहरी है ना जम्मू एंड कश्मीर के जो दहशतगर्द जंगलों में तो नहीं छुप सकते, इनमें से होंगे घरों में रहते होंगे, इनमें से जम्मू कश्मीर से ही होंगे, उनको भी बात है यार, ऊपर से आया हुआ बंदा अपने पास सुनना, ऊपर से आया हुआ बंदा तो इतनी देर तक नहीं ना रह सकता भाई। मेरी तो बात सुने, मैं ये बात करना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर का लोकल है ना उसको साथ देना चाहिए अपनी आर्मी की आर्मी का, और जो भी उसके से छुपता है उसके घरों में उस इलाके में, और आर्मी को बताना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ इधर कुछ गैर आदमी है जो टेररिस्ट घूम रहे हैं जो हमारे इस मुल्क को ऐसी कैंपेन चलाई जाए ना तो ये इसका खात्मा हो सकता। और ये जो लोग हैं ये जो जवान हैं उनके चेहरों से उदासी भी नजर आ रही थी और वो अपने जो जवानों के लिए अफसरदा भी थे, तो जारी बात है वो अफसरदा होना भी चाहिए, इतनी बड़ा या सानिया हो गया उसको कंडेम भी करना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में नाट आप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।